कि जल्द ही आने वाला है एकता कपूर के सुपरहिट शो ये है मोहब्बते का सीजन 2। स्टार प्लस पर साल 2012 में ऑन एयर हुए इस शो ने 2019 तक ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। रमन भल्ला और इशिता का किरदार निभाने वाले स्टार दिव्यांका त्रिपाठी और करण पटेल की बेहतरीन केमिस्ट्री भी देखने को मिली। लेकिन जब इस शो को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया तो फैंस को काफी झटका लगा था। हालांकि अब शो को ऑफ एयर हुए एक साल बीत चुका है, लेकिन अब भी शो को पसंद करने वाले फैंस इसे मिस करते हैं। और अब 4 ऐसे सॉलिड रीजंस भी सामने आए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद जल्द ही शो का दूसरा सीजन भी आ सकता है। और वो 4 धांसू वजह क्या है, एक एक करके बताते हैं आपको भी। पहली सॉलिड वजह, दिव्यांका एकता की फ्रेंडशिप। यह लंबे वक्त से एकता कपूर और दिव्यांका त्रिपाठी की टूटी दोस्ती इंडस्ट्री में काफी छाई रही। खबरें तो यहाँ तक सामने आई थी कि दिव्यांका और एकता के बीच तकरार की वजह से ही यह है मोहब्बते से दिव्यांका की एग्जिट करके इसे ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया था। लेकिन 14 दिसंबर के दिन जिस तरह से एकता कपूर ने लंबे वक्त बाद दिव्यांका को याद किया और सोशल मीडिया पर उनके लिए प्यार भरा पोस्ट करते हुए उन्हें बर्थडे विश किया, उससे साफ पता चल गया कि दोनों के बीच अब वही पुरानी वाली दोस्ती लौट आई है। ऐसे में अब जब दोनों एक साथ हो चुके हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि एकता और दिव्यांका की ये दोस्ती एक बार फिर से ये है मोहब्बते के सीजन 2 में भी नजर आएगी। इन दोनों की दोस्ती इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि शायद ये दिव्यांका एकता के किसी शो का पार्ट बन सके, और क्या पता वो शो ये है मोहब्बते ही हो। दूसरी सॉलिड वजह, हिट फ्रेंचाइज थी ये है मोहब्बते। देखा जाए तो टीम इंडस्ट्री में यह है मोहब्बते शो एक हिट फ्रेंचाइज थी। शो तकरीबन 7 साल तक ऑडियंस का पसंदीदा शो बना रहा था। और देखा जाए तो इन दिनों टीवी इंडस्ट्री में सीजन 2 का भी दौर चल रहा है। एकता कपूर अपने कई सुपरहिट शोज के कई पार्ट पहले ही बना चुकी हैं, जिसमें भ्रम राक्षस 2, कसौटी जिंदगी की 2, नागिन शोज शामिल है। ऐसे में अगर एकता यह है मोहब्बते का भी दूसरा पार्ट लेकर आ जाए तो ऑडियंस को ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। तीसरी सॉलिड वजह, रमन के पास भी नहीं कोई बड़ा शो। दिव्यांका त्रिपाठी 21 दिसंबर से सोनी टीवी के शो क्राइम पेट्रोल सतर्क में नजर आने वाली हैं, लेकिन इस शो के अलावा दिव्यांका के पास कोई बड़ा शो नहीं है। वहीं ये है मोहब्बते में रमन भल्ला का किरदार निभाने वाले एक्टर करण पटेल भी फिलहाल किसी बड़े शो का हिस्सा नहीं है, तो दोनों ही मेल लीड आसानी से अवेलेबल हो सकती है। ऐसे में एकता को शो की मेल लीड को कास्ट करने में कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। और चौथी सॉलिड वजह, एकता को चाहिए बिग हिट। देखा जाए तो जब से एकता और दिव्यांका की दोस्ती में दरार की खबरें सामने आई, एकता का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया जो ऑडियंस को जबरदस्त इंप्रेस कर पाया हो और सुपरहिट रहा हो। एकता और दिव्यांका की दोस्ती के बाद एकता के कई ऐसे शोज आए जो लंबे वक्त तक हिट नहीं रह पाए, क्योंकि उन शोज में वैसा जादू ऑडियंस को देखने को नहीं मिला जैसा एकता के पुराने शोज में हुआ करता था। ऐसे में अगर एक बार फिर से एकता और दिव्यांका साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर लंबे वक्त से दिव्यांका को शो में देखने के लिए तरस रहे फैंस काफी खुश होंगे और शो जबरदस्त हिट तो जरूर होगा। देखा जाए तो ये 4 रीजंस काफी सॉलिड हैं जो इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं कि शायद ऑडियंस को जल्द ही ये है मोहब्बते का सीजन 2 देखने को मिल जाए। वैसे आपका क्या कहना है शो के दूसरे सीजन को लेकर, शेयर कीजिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।